आज बड़ी ही अलौकिक और पावन दिव्य स्थान के आपको दर्शन करवाने के लिए हम आगे बढ़ चले हैं और आनंद लीजिए। अभी तो यात्रा है और ये सड़क के पथ जो है घुमावदार और बड़े ही मनोरम सुंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे और बहुत ही पावन और दिव्य आज आपको दर्शन प्राप्त होने वाले हैं। और चलिए उस रहस्य को भी बताए देते हैं। आज पावन ओरछा नगरी जो पूरे विश्व में विख्यात है और श्री राजा राम जी के आज पावन दर्शन होंगे। ओरछा अब 6 किलोमीटर रह गया है और ये देखिए प्रकृति का भी अद्भुत वर्ण दर्शन करिए, मनोरम दर्शन, प्रकृति की अद्वितीय सुंदरता के दर्शन करिए। और देखिए भाई मध्य प्रदेश तो माना ही जाता है प्रकृति का स्थान, भारत का मध्य है और बहुत अच्छी सुंदरता और बहुत ही अच्छी व्यवस्था भी है यहाँ पर शासन प्रशासन की। सड़क व्यवस्था का भी आवागमन का साधन भी बहुत अच्छा है और अब देखिए नए नए जो है पुल और नए सब स्थान बन गए हैं और बहुत ही सुविधाजनक हो गया है। आज के पावन दिवस और इस पावन यात्रा में आज 2 महानकार होंगे। एक तो राजा राम जी, श्री ओरछा प्रभु श्री राम जी के दर्शन होंगे और साथ में ही श्री हरदौल जी जो बुंदेलखंड के इतिहास में आज भी जन जन में जिनका गौरव और जिनकी गाथा श्रद्धा और विश्वास के साथ, आत्मीयता के साथ, एक भाई और बहन के असीम प्यार के साथ वर्णित है, आज उनके भी पावन दर्शन होंगे। और चलिए आपको हम ले चलते हैं ओरछा। ओरछा वो पावन नगरी है जहाँ प्रभु राम जी की गाथा जन जन में कण कण में व्याप्त है और उसी के साथ राजा हरदौल जी का महान त्याग और महान प्रेरणा जन जन कण कण में व्याप्त है और प्रकृति का अद्भुत सुंदरता है। बेतवा जी कल कल करके बहती हुई और उसी के किनारे ये एक संस्कृति, इसको एक संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति की भी की महान विरासत व जीता जागता एक प्रमाणिक उदाहरण कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। सामने पावन महान स्थान ओरछा जी के श्री राजा राम जी के पावन स्थान पर आ गए हैं और गौ माता देखिए सामने ही अपने बछड़े को, महान जो है जो हमारी संस्कृति का सबसे महान कार्य अगर कोई आप देखना चाह रहे हैं तो सामने ये देखिए सामने ही। और इस समय दोपहर का समय हो रहा है 12:30 बजे और ये सबसे पावन और दिव्य समय है। हाँ चलो चलो। शुभ सगुन और असगुन की अगर बातचीत की जाए तो श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड में इसका बहुत अद्भुत प्रसंग है। क्योंकि अब राजा राम जी के महान पावन स्थान के सामने हम लोग आ गए हैं तो अब इसका, इस महान प्रेरणात्मक स्थान का इतिहास भी सही सही जानना आवश्यक है। देखिए 16वीं शताब्दी में ओरछा के राजा श्री मधुकर साय साहब थे और उनकी धर्मपत्नी जी श्रीमती गणेश कुंवर साहब थी और दोनों लोगों में बहुत ही मधुरता और बहुत ही स्नेह था आपस में और दोनों लोग भगवान के अति भक्त और भगवान पर पूरे समर्पण भाव रखते थे। राजा मधुकर साहब भगवान श्री कृष्ण जी के और वृंदावन धाम के अनंत भक्त थे और वहीं माता श्रीमती कुंवर गणेश जी भगवान राम जी की अनंत भक्त थी और उनका पूरा समर्पण भगवान की पूजा पाठ और मनन में हमेशा लगा रहता था। ये एक भारत की जो पति पत्नी का एक हमारे ग्रंथों में जो आदिकाल से वर्णन चला रहा है उसका बिल्कुल प्राकट्य एक प्रत्यक्ष उदाहरण है
कि हमारे राजा महाराजा और हमारे श्रेष्ठ लोग भी किस तरह से अपना दाम्पत्य सुखमय जीवन व्यतीत करते रहे धार्मिक भावनाओं के साथ। तो एक दिन बातों बातों में राजा साहब ने रानी साहिबा से कहा कि चलिए आपको भगवान कृष्ण जी के वृंदावन धाम घुमा लाएं। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, हमारे तो राम हैं और हम सिर्फ अयोध्या धाम ही जाएंगे। दोनों लोगों में काफ़ी तकरार हुई। अंत में रानी साहिबा के लिए राजा साहब ने व्यवस्था तैयारी के साथ कर दी, सैनिक मंत्री सब उपलब्ध कराए गए, जो परंपरागत शैली थी उसके अनुसार पर माता जी अयोध्या के लिए कूच हुई, मतलब निकलने लगी। तब राजा साहब ने शर्त रखी कि अगर वास्तव में तुम राम को मानती हो तो राम जी के दर्शन करके और उनको लेके आना। और माता जी ने इस बात का हामी भर दी कि ठीक है, हम अब अयोध्या जाते हैं और भगवान के दर्शन अवश्य करेंगे और उनको लेके भी आएंगे। दोनों पत्नी में ये वार्ता हुई और रानी साहिबा अपने दल बल के साथ अयोध्या पहुंच गई। वो तो निर्मल मन और उनकी अथाह प्रेरणा और समर्पण था भगवान। अयोध्या में उन्होंने मठ मंदिर और महंत सभी लोगों से संपर्क किया, लेकिन कहीं भी उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए और हर जगह उनको निराशा मिली। मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी उस समय अयोध्या में वास कर रहे थे और माता जी गोस्वामी तुलसीदास जी से मिली, लेकिन जब पूर्ण सफलता न मिलने पर उनको घोर निराशा हुई। और उस निराशा और कुंठा के कारण एक दिन उन्होंने माँ सरयू जी में अपना समर्पण कर दिया और उन्होंने जल समाधि लेने का निर्णय लिया। तथा जल समाधि जब वह लेने लगीं तभी उनको अंदर सरयू जी के जल में भगवान के पावन दर्शन हुए और भगवान उनकी गोद में आकर विराजमान हो गए, ऐसी मान्यता है। और वहीं पर प्राकट्य रूप में भगवान के दर्शन होने पर वह अभिभूत हो गई और वहीं भगवान ने उनके सामने तीन शर्त रखी और उन तीनों शर्तों में जब उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी तब भगवान उनके साथ अयोध्या से पावन धाम से ओरछा के लिए प्रस्थान हुए। उसमें पहली शर्त थी कि मैं जहाँ चलूँगा तब जब मैं पुष्य नक्षत्र आप शुभ नक्षत्र होगा उसी में हम यात्रा की जाए, और दूसरी चीज़ हमको जहाँ रख दिया जाएगा हम वहीं स्थापित हो जाएंगे, तथा ओरछा में हम एक राजा के रूप में रहेंगे, फिर वहाँ कोई दूसरी राज शक्ति नहीं रहेगी, हमारी ही राजसत्ता चलेगी। तो अब हम उस पावन दिव्य जगह आ गए हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी मान्यता है और आज भी भगवान प्रभु श्री राम जी को राजा के रूप में ही यहाँ जन जन में उनका विश्वास है, उनकी श्रद्धा है और हमारे आज लोकतंत्र में भी उनको 5 बार गार्ड ऑफ ऑनर, जो एक पुलिस और सशस्त्र सैन्य व्यवस्था की एक महान व्यवस्था है, उसके तहत गार्ड ऑफ ऑनर प्रभु को हमेशा प्रदान किया जाता है। और यहाँ पर बहुत ही निर्मलता और आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व है। अब चलिए अंदर प्रांगण में चलते हैं और प्रभु के आपको पावन दर्शन कराने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग ओरछा जी के मुख्य गेट पर पहुंच गए हैं और सभी लोग पावन दर्शन करने के लिए अब आगे प्रस्थान करेंगे और आनंद लेंगे प्रभु का। आज अब पावन प्रांगण में आ गए हैं और देखिए आप पावन दिव्य स्थान के दिव्य महान जगह के आप दर्शन करिए और आनंद लीजिए। सामने ही अशोक का दिव्य वृक्ष, पावन वृक्ष लगा हुआ है और सामने जो है इस समय दर्शनों का समय हो गया है। इस समय गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है प्रभु जी को, गार्ड ऑफ ऑनर का समय ये चल रहा है, पावन दर्शन हो रहे हैं। अभी तक आपने माता गणेश कुंवर जी की अनन भक्ति और उनकी श्रद्धा और विश्वास का प्रमाण देखा है। अब आगे जब परिचर्चा चलेगी और आगे जब अभी हम महल में पहुंचेंगे, नए वाले महल में,
तो आपको एक बहुत बड़ा ओरछा धाम का रहस्य मालूम पड़ेगा कि श्री राजा श्री मधुकर शाह साहब की जो इच्छा थी वो भी ईश्वर ने पूरी की, और जो नया महल बनाया गया था भगवान श्री राम जी के स्थापना के लिए, वहाँ पर भगवान राम जी तो नहीं पहुँच पाए, वो तो अपनी प्रतिज्ञा और अपनी शपथ के आधार पर वहीं विराजमान हैं जो अभी आपने दर्शन किए, और लेकिन जो भगवान कृष्ण जी उस स्थान पर विराजमान हुए जो राजा मधुकर साहब ने स्थान बनाया था प्रभु के लिए। तो देखिए ईश्वर की लीला कि राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं और दोनों ब्रह्म हैं और दोनों का साकार रूप एक ही है, ये तो हम मानवों की तुच्छ और संकीर्ण बुद्धि है कि हम उनमें विभेद करते हैं और अपने स्वार्थ तथा अपने आस्था और अपने निजी स्वार्थों के लिए हम भगवान को अलग अलग कर देते हैं, राम और कृष्ण में बांटते हैं। जबकि सत्य तो यह है कि वो हमारी इच्छा को, हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को साकार रूप में पूर्ण करते हैं, जैसा कि रानी गणेश कुंवर जी की इच्छा को भी पूरा किया भगवान ने और मधुकर शाह साहब की भी इच्छा को पूरा किया। यही ओरछा धाम का सबसे बड़ा रहस्य है कि यहाँ साकार रूप में ब्रह्म विराजमान है, और आस्था है और मान्यता है कि दिन में भगवान राम जी ओरछा में रहते हैं और रात में अयोध्या धाम वापस चले जाते हैं। बकायदे उनकी क्रियात्मक ये जाने का और आने का यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम किया जाता है, और उस कार्यक्रम के तहत भगवान जाते हैं और भगवान वापस आते हैं, ऐसा भाव यहाँ पर आदिकाल से चला आ रहा है। देखिए अब हम सामने आपको उस पावन स्थान के दर्शन करा रहे हैं जो श्री ओरछा नरेश जी ने तत्काल समय में प्रभु भगवान के लिए कि हम यहाँ विराजमान करेंगे वह बनवाया था, और वहाँ पर एक छोटी सी उनकी धारणा उन्होंने की थी कि यहीं से बैठे बैठे हम भगवान के दर्शन करते हैं। मतलब एक ये संकीर्णता प्रभु के राजा टीकम ओरछा साहब के मन में ये आ गई थी। तो देखिए सुंदरकांड में बड़ा अच्छा प्रसंग है प्रभु का कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, और राजा साहब की इस भावना को प्रभु ने एकदम किनारे कर दिया, दरकिनारे कर दिया, और ये सुंदर अद्भुत कलाकारी से स्थापत्य कला का श्रेष्ठ नमूना है यद्यपि, लेकिन ये वैसे ही है और इसमें भगवान विराजमान नहीं हुए। भगवान विराजमान वहीं हुए जहाँ निर्मलता थी, जहाँ सरलता थी और जहाँ प्रभुता थी, ईश्वर वहीं निवास करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रसंग है और बहुत बड़ा उदाहरण है हम सब मानवों को प्रेरणात्मक रूप से। ये देखिए हम आपको बहुत नज़दीक लाए हैं और बहुत नज़दीक से आपको हम इसका मनोरम किले का दर्शन कराएंगे, महल का, और मनोरम है, आप लोग दर्शन करके आनंद पाए। ये जो महल आप देख रहे हैं ये स्थापत्य कला का श्रेष्ठ नमूना है भारत की प्राचीन संस्कृति। इसमें भारत की स्थापत्य कला की बहुत अच्छी शैली का चित्रण किया गया है, मतलब बहुत अच्छा दिव्य इसको बनाया गया है। देखिए अब हम उस महल के अंदर आ गए हैं, आप अंदर की भी स्थापत्य शैली के दर्शन करिए, और इसके अब रख रखाव की बहुत अच्छी व्यवस्था है। मध्य प्रदेश सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसकी मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए विशेष फंड बजट में या किसी भी तरह से या समाजसेवी संस्थाओं को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता अब प्रतीत हो रही है, क्योंकि जगह जगह जो है जीर्ण शीर्णता भी इसमें दिखाई पड़ रही है, और ऐसे अब भव्य और सुंदर भवन बनना आज के समय में बड़ा ही दुर्लभ है, और वास्तव में ये अद्भुत 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 नमूने हैं, और बहुत ही बड़े दूर दूर से यहाँ तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं और पावन दर्शन करके आनंद लेते हैं, पूरे परिवार से आते हैं, छोटे बच्चों के साथ, अपने भाई बंधु सभी के साथ। देखिए हम उस महल में इसमें मौजूद हैं और उस गद्दी के सामने मौजूद हैं जहाँ पर तत्कालीन राजा साहब ने भगवान की स्थापना का वो स्थान चयनित किया था। ये पावन दिव्य स्थान आपके सामने है। यहाँ प्रभु राम जी विराजमान नहीं हैं,
यहाँ भगवान कृष्ण जी विराजमान हैं, ये बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी। और लेकिन यहाँ पर जो पुजारी साहब हैं उनके द्वारा हमको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ जो राजा साहब थे वो भगवान कृष्ण जी के उपासक थे। फिर चूंकि भगवान राम जी तो वहाँ विराजमान हो गए थे, भगवान राम जी के विग्रह वहाँ विराजमान हो गए थे, तो अब ये मंदिर खाली न रह जाए इसलिए फिर राजा साहब ने भगवान श्री कृष्ण जी की स्थापना कराई। और जो मैंने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, ये भी ज़्यादा लंबी पुरानी बात नहीं है, ये अभी कुछ एक लगभग एक डेढ़ साल शताब्दी की पहले की बात है। और भगवान ने एक तरह से ये ओरछा मंदिर एक राजा के घमंड और राजा का जो गर्व हो गया था कि मैं बैठे बैठे वहीं से प्रभु के दर्शन कर लूँगा, सामने आप जो देख रहे होंगे जो खिड़की आपको सामने दिखाई दे रही है, जो खिड़की सामने आपको दिखाई दे रही है वो घमंड और अहंकार की सूचक है। राजा जी का उद्देश्य था कि हम वहीं से बैठे बैठे भगवान के दर्शन इस स्थान पावन स्थान पर कर लें, हमें कहीं आना जाना ना पड़े भगवान के दर्शनों के लिए। वो घमंड भगवान ने उनका अहंकार समाप्त किया, उनका घमंड चूर किया और भगवान वहीं विराजमान हुए उस रसोई घर में जो आज वास्तव में राजा राम जी का भव्य मंदिर के नाम से जो प्रसिद्ध है और जो सत्य है। और इसीलिए जो तुलसीदास जी ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा, ये एक प्रमाणिक इतिहास है जो कि पूरी तरह से सत्य है, हम सबको प्रेरणा लेना चाहिए। श्री हरदौल जी साहब के पावन दर्शन आप लोग करें और बड़ा ही विश्वास, और ये देवदूत हैं यहाँ और देवदूत के रूप में मानवों की समस्या का समाधान करते हैं, ऐसा इनके बारे में विवरण इतिहास में प्राप्त होता है। ओरछा में ओरछा के भगवान प्रभु राम जी के दर्शन और अन्य ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन करने के बाद आप अवश्य बेतवा जी की पावन सुंदरता और प्रकृति की अनुपम और मनोरम छटाओं के दर्शन जरूर करें। अगर आपने बेतवा जी की सुंदरता को नहीं देखा तो ये आप समझिए कि आपको प्रकृति की सुंदरता और प्रकृति की अनुपम खुशी से आप वंचित हो जाएंगे। देखिए पावन कल कल बहती हुई बेतवा जी कितनी सुंदर और अद्वितीय अनुपम का आप सुंदरता देखिए, और उसमें ओरछा जी के किले और श्री राम राजा जी का मंदिर सामने आपको दिख रहा है, अति सुंदरता, मंत्रमुग्ध आप हो जाएंगे, ऐसी सुंदरता, ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य है यहाँ ओरछा का, ऐसा अद्वितीय सुंदरता है कि मंत्रमुग्ध हो जाएं। एक बार अवश्य भ्रमण करिए ओरछा जी का और राम राजा जी के दर्शन करिए, आपका मन खुश हो जाएगा। देखिए एकदम अभी आपको एकदम स्वच्छ जल के दर्शन करा रहे हैं, ये देखिए सुंदरता का अनुपम उदाहरण। ओरछा प्राकृतिक नगरी, दिव्य नगरी, धार्मिक नगरी, जहाँ राजा राम जी स्वयं राजा के रूप में विराजमान हैं, आप सभी लोग जरूर ओरछा के दर्शन करें और प्राकृतिक आनंद के साथ धार्मिक, आध्यात्मिक, दैहिक, दैविक सभी तरहों का ज्ञान व आनंद प्राप्त करें। जय हो राजा रामचंद्र जी की, जय हो, जय हो।